हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो कि न्यूक्लियर फिजिक्स चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। ये जो क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हमने अपने वीडियो लेक्चर में करा रखा है। अगर आपको याद होगा तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं, है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। पूछा गया है, इन अ रिएक्टर 2 kg ऑफ यूरेनियम फ्यूल इज फुली यूज्ड इन 30 days, द एनर्जी रिलीज पर फिजन रिएक्शन इज 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गिवेन दैट एवोगाड्रो नंबर इज 6.023 × 10²⁶ पर किलो मोल एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल। द पावर आउटपुट ऑफ द रिएक्टर इज क्लोज टू। तो इसमें हमें पावर आउटपुट की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हम लोग सबसे पहले पता करते हैं कि कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे अगर 2 kg यूरेनियम यूज होता है ना। तो 2 kg यूरेनियम दिया गया है ना। तो पहले मैं इसको लिख देता हूं इस तरह से, 2 × 10³ है ना, इतना ग्राम है। अगर मैं यूरेनियम का जो एटॉमिक वेट है 235, इससे डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा नंबर ऑफ मोल, ठीक है। नंबर ऑफ मोल पता चल गया। अगर मैं 10³ से डिवाइड कर दूं तो ये किलो मोल आ जाएगा, ठीक है। किलो मोल मैं इसलिए फाइंड कर रहा हूं क्योंकि आप क्वेश्चन में देखेंगे वहां पर ऊपर जो है वो ये बताया गया था कि जो एवोगाड्रो नंबर है 6.023 × 10²⁶ पर किलो मोल दिया हुआ है। पर मोल में 10³ होता है, ये नोट करने वाली बात है। पर मोल होता है तो 10³ लिखते हैं, पर किलो मोल होगा तो 10²⁶ आ जाएगा, है ना। तो मैंने जो है उसको पर किलो मोल में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि मैंने 10³ से डिवाइड कर दिया। अब मैं इसमें एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो नंबर ऑफ एटम्स पता कर सकते हैं। एवोगाड्रो नंबर दिया गया है 6.023 × 10²⁶, ये पर किलो मोल हो गया। तो इतने जो है वो एटम्स हो गए, ठीक है। अब खास बात यह है कि ये जो रिएक्शन होता है यूरेनियम का रिएक्टर में, उसमें हर एक रिएक्शन में एक यूरेनियम का जो एटम है वो यूज होता है, ठीक है। हर एक रिएक्शन में एक यूरेनियम का जो एटम है वो यूज होता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि एक रिएक्शन में कितनी एनर्जी इमिट हो रही है, बताया गया 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। एक रिएक्शन में एक एटम यूज होता है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि जितने एटम अपने आए हैं उतने रिएक्शन भी हुए होंगे, है ना। एक रिएक्शन में एक एटम यूज होता है। तो हमने यहां पर नंबर ऑफ एटम फाइंड कर लिया, इसका मतलब हमने नंबर ऑफ रिएक्शन पता कर लिया, है ना। और नंबर ऑफ रिएक्शन पता चल गया तो एक रिएक्शन में एनर्जी है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर मैं जूल में कन्वर्ट करना चाहूं तो 1.6 × 10²⁹ से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मेगा जूल में आ गया, ठीक है। तो टोटल इतनी एनर्जी रिलीज होगी अगर 2 किलोग्राम यूरेनियम यूज होगा तो, ठीक है। अब इतनी जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो एक्चुअली में 30 दिन में यूज हो रही है या 30 दिन में रिलीज हो रही है। तो पर सेकेंड कितना रिलीज होगी, है ना। मैं कर देता हूं डिवाइडेड बाई 30 days, 30 days होगा, ये हो गया पर डे। अगर मैं 24 से डिवाइड कर दूं तो ये हो गया पर आवर, 60 से डिवाइड कर दूं तो पर मिनट, और फिर 60 से डिवाइड कर दूं तो पर सेकेंड, है ना। तो इतना जूल पर सेकेंड जो है मेगा जूल एक्चुअली में आएगा क्योंकि ये 200 था वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया था। तो ये मेगा जूल पर सेकेंड यानी कि मेगा वाट कह सकते हैं, ठीक है।
जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये जो है जो पावर हमें निकालना था है ना, तो ये अप्रोक्सीमेटली जो है वो 63 मेगावाट के आसपास आएगा। ऑप्शन में 63 नहीं है, ऑप्शन में देखेंगे 60 दिया हुआ है ना, तो अप्रोक्सीमेटली हम लोग कह सकते हैं कि ये 60 मेगावाट जो पावर है वो यहाँ से रिलीज होगा है ना, यानी हर एक सेकेंड में 60 मेगा जूल एनर्जी जो है रिएक्टर से रिलीज हो रही है। तो ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है।